नमस्कार दोस्तों, कैसे ब्लॉग, क्या हाल चाल है। मैं सुशील गुरुजी आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। तो आज हम ये जानने वाले हैं कि IIBF का फॉर्म कैसे ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, यानी कि बैंक मित्र अगर आप बनना चाहते हैं तो इसका फॉर्म आपको ऑनलाइन कैसे करना है। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि कोरोना लॉकडाउन की वजह से IIBF की जो ओरिजिनल ऑफिशियल वेबसाइट है वो बंद चल रही है, इसलिए इसका काम अब डिजिटल सेवा पोर्टल से हो रहा है। इसके एग्ज़ाम भी CSC एकेडमी में ही कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो जान लेते हैं आइए कैसे फॉर्म भरना है। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, पुराने तो शेयर कर दें। तो सबसे पहले आप उनको देखना है, ये है कि यहाँ पर आप लोगों को एक सर्च बार दिख रहा होगा, आप लोगों को यहाँ पर कुछ टाइप करना है। टाइप क्या करना है, यहाँ पर इंडियन टाइप कर देना है। आप लोगों को इंडियन क्यों टाइप करना है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि IIBF का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो उसका पहला शब्द यहाँ पर आप टाइप कर देंगे तो वो सर्विस आ जाएगी आपके सामने। जैसे ही टाइप करने के बाद हमने सर्च किया तो आप लोगों के सामने ये देखिए आ गया होगा। तो आप लोगों को यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आगे बढ़ना है। तो देख लेते हैं, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप जो है एक नए पेज में रिडायरेक्ट हो जाएंगे और ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस का पेज आपके सामने खुल जाएगा। इसमें करना क्या है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस अपना नाम भर देना है। आपको अपना जो है यहाँ पर सैल्यूटेशन चुन लेना है। सैल्यूटेशन आप जो लगाते होंगे, मिस्टर मिसेज या जो भी आप लगाते हों, आप यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद आप अपने नाम का पहला शब्द यहाँ पर भरेंगे। अगर बीच में कोई शब्द आता है तो बीच वाला शब्द यहाँ भर देंगे, अगर नहीं आता है तो छोड़ देंगे। और आखिरी का जो नाम यानी कि सरनेम होता है उसको यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि आपको एड्रेस भरने के लिए दिया गया। आप एड्रेस भरने के लिए आप पूरा एड्रेस भर सकते हैं, 3-4 लाइंस दी हुई हैं, आप पूरा एड्रेस यहाँ पे भर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना डिस्ट्रिक्ट भर देंगे, सिटी भर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप जो है अपना स्टेट यानी कि जिस भी राज्य से हैं आप राज्य भर देंगे। तो मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मैंने उत्तर प्रदेश यहाँ पर भर दिया है। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर अपना पिन कोड भी भर सकते हैं। पिन कोड के बाद यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा डेट ऑफ बर्थ। तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप अपना डेट ऑफ बर्थ भर देंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है जेंडर, अगर आप मेल हैं पुरुष हैं तो मेल पे टिक कर देंगे, अगर महिला हैं तो यहाँ फीमेल पे टिक कर देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन पूछ रहा है, क्वालिफ़िकेशन में पूछ रहा है अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट। इसमें कई लोगों को कन्फ्यूज़न ये हो जाती है कि कुछ लोग हाई स्कूल इंटर किए रहते हैं तो वो समझ नहीं पाते हैं कि उनको जो है किस में सेलेक्ट करना है। तो जो हाई स्कूल इंटर किए हैं तो उन लोगों को अंडर ग्रेजुएट में टिक करना है। तो जैसे हम अंडर ग्रेजुएट में टिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए नीचे कुछ ऑप्शन आ जाएंगे जिसमें प्लीज़ स्पेसिफाई में दिया रहेगा। तो यहाँ पर आपको दिए रहेगा HSC और SSC। अब इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कई लोग कि किस में सेलेक्ट करना है। तो जो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें कौन सा सेलेक्ट करना है, तो मैं बता दूं, अगर आपने 10वीं पास की है, अगर आप 10th क्लास के तक ही पढ़े हैं तो आपको इसको सेलेक्ट करना है SSC। ये SSC एग्ज़ाम वाला SSC नहीं है, ये SSC है हाई स्कूल को SSC का भी कहा जाता है। तो जो हाई स्कूल तक पढ़े हैं, 10वीं तक पढ़े हैं, वो केवल इसको सेलेक्ट करेंगे। और जो इंटर तक यानी 12वीं तक, 12 तक या प्लस 2 तक पढ़े हैं वो लोग इसको सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद अगर आप जो है ग्रेजुएट हैं यानी इंटर के बाद 12वीं के बाद पढ़े हैं, BA, BCom, BSc वगैरह आपने किया है तो ग्रेजुएट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसके भी ऊपर पढ़े हुए हैं यानी कि MA, MCom यानी कि मास्टर पोस्ट ग्रेजुएशन आपने, अब हम देख लेते हैं क्या। उसके बाद यहाँ पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, ईमेल एड्रेस में आप जो है ईमेल एड्रेस भर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ फ़ोन नंबर वगैरह दिया है, मोबाइल नंबर है, आप मोबाइल भर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, अपलोड योर स्कैन्ड फ़ोटो। तो आपको जो है अपनी स्कैन की हुई फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर देनी है, जो कि अपलोड होने के बाद आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देगी। उसके बाद क्या करना है कि अपलोड योर स्कैन्ड सिग्नेचर स्पेसिमन, यानी कि आपको अपना हस्ताक्षर यहाँ पर अपलोड करना है। और जो आप हस्ताक्षर अपलोड करेंगे उसको आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो
तो और भी कुछ नियम हैं तो वो जान लीजिएगा वीडियो देखने से पहले, पूरा देखने से पहले आप जो है ज़रूरी जान लीजिएगा, पहले से कट मत कर दीजिएगा। यहाँ पे सेलेक्ट आईडी प्रूफ सेलेक्ट करना है, तो आईडी प्रूफ सेलेक्ट करने के लिए आप करेंगे क्या कि आप जो है कोई भी इनमें से दी गई जो आईडीज़ हैं आप उनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं, पासपोर्ट या पैन कार्ड या आईडी जोड़ बाय एम्प्लॉयर या ड्राइविंग लाइसेंस, इन चारों में से कोई भी आपके पास हो तो इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आप जो है आईडी सेलेक्ट करेंगे उसका यहाँ पर नंबर डाल देंगे। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर पासपोर्ट सेलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पर उसका आईडी नंबर यहाँ पर पासपोर्ट नंबर डाल देंगे। उसके बाद जो भी आप आईडी सेलेक्ट करेंगे उस आईडी प्रूफ को यहाँ पर आप जो है उसकी जो है उसको स्कैन करके या उसका पिक क्लिक करके फ़ोटो खींच के आप यहाँ पर अपलोड करेंगे जो कि यहाँ पर दिखने लगेगी यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई, नियम और कानून बताए गए हैं जो आपकी पढ़ने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो गलती कर देंगे आप। इसमें कहा गया है कि जितने भी आप इमेज अपलोड करेंगे वो सारी साफ़ होनी चाहिए, दिखनी चाहिए, और जो भी होंगी वो JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। JPG फॉर्मेट में नहीं होंगी तो अपलोड करने में आपको दिक्कत आएगी। और फ़ोटोज़ जो होनी चाहिए वो कम से कम 8KB की और अधिक से अधिक 20KB की होनी चाहिए। इमेज और डायमेंशन ऑफ फ़ोटोग्राफ, जो आप अपनी फ़ोटो लगाएंगे उसका जो है डायमेंशन होना चाहिए 100 विड्थ होनी चाहिए, 120 उसकी हाइट होनी चाहिए पिक्सल्स में। इमेज की डायमेंशन सिग्नेचर, जो आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे उसकी 140 विड्थ होनी चाहिए चौड़ाई, और ऊंचाई 60 होनी चाहिए पिक्सल्स में। और ठीक इसी तरीके जो है इमेज डायमेंशन ऑफ आईडी प्रूफ, यानी कि आप जो आईडी प्रूफ अपलोड करेंगे उसका जो है आपको 400 जो है चौड़ाई होनी चाहिए और 420 हाइट होनी चाहिए पिक्सल्स में, और इसकी साइज़ जो है कम से कम 8KB और अधिक से अधिक 25KB तक हो सकती है। उसके बाद आप यहां पर एग्ज़ाम नेम आप देख सकते हैं कि पहले से यहां पर लिखा हुआ है कि सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन फॉर बिजनेस करस्पॉन्डेंट, तो IABF का जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आप बैंक मित्र वाला, उसको बिजनेस करस्पॉन्डेंट एग्ज़ाम ही कहते हैं, और एग्ज़ाम पास करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। यहां पर आप देखेंगे कि फ़ीस अमाउंट पूछ रहा है, तो इसके लिए आपको पहले सेंटर सेलेक्ट करना पड़ेगा तो आपको यहां पर फ़ीस अमाउंट आ जाएगा। तो नीचे जाकर मैंने जो है सेंटर सेलेक्ट कर लिया है इलाहाबाद, इसलिए यहाँ पर अब फीस अमाउंट दिखा रहा है 800 प्लस GST, तो ये मिलाकर टोटल जो है 950 के आसपास रहता है आपका टोटल। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि मीडियम आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मीडियम सेलेक्ट कर सकते हैं कि मतलब आप कौन सी भाषा में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आप इसमें कई लैंग्वेजेस दी हुई थी, सारी भाषाएं दी हुई होती हैं, आपको जो भी पसंद हो आप उसमें जो है पेपर दे सकते हैं। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मैं हिंदी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर इंक्लूसिव बैंकिंग दी हुई है, यानी कि आपको जो है वेन्यू सेलेक्ट करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर सेंटर नेम इलाहाबाद दिया हुआ है उत्तर प्रदेश, लेकिन आप इलाहाबाद में किस सेंटर में एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो इलाहाबाद के अंदर कितने ही सेंटर होंगे, तो अब इलाहाबाद के अंदर किस सेंटर में एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर पाएंगे यहाँ से सेलेक्ट वेन्यू में। तो इसमें आपको जाना है सेलेक्ट वेन्यू पे सेलेक्ट करना है, तो देखते हैं कौन कौन से सेंटर्स हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कई सेंटर आ गए हैं जो इलाहाबाद में मौजूद हैं, ठीक है। तो इनमें से जो है कई सेंटर्स हैं, आप जिस भी सेंटर में जाके एग्ज़ाम देना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे और वहीं पर आपको जो है आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। इसके बाद जो है आपको करना क्या है, उसके बाद यहाँ पर डेट सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आएगा, तो आप जो है यहाँ पर डेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन सबसे बढ़िया रहता है कि आपको जब एग्ज़ाम देना हो आप उस डेट को ही आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 डेट्स दी हुई हैं, 29, 30 और 31, चूँकि अभी आज जुलाई का महीना चल रहा है तो आप 3 दिन दी हुई हैं, तो आप इन तीनों में से कोई 3 में से एक डेट चुन सकते हैं। यहाँ पे टाइम दिया हुआ है तो आप जो है टाइम चुन सकते हैं, इन तीनों डेट में कौन से टाइम पे आपको एग्ज़ाम देना है। जब यहाँ पर आप डेट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको टाइम भी शो करने लगेगा और यहाँ पे सीट्स आपको दिखने लगेंगी कितनी सीट्स हैं। यहाँ सेंटर कोड आ जाएगा, एग्ज़ाम मोड जो है आपका ऑनलाइन में ही होता है, ऑनलाइन आप एग्ज़ाम देंगे। उसके बाद यहाँ पर स्क्राइब रिक्वायर्ड में टिक तभी लगाना है अगर आप दिव्यांग हैं, अगर आपको कोई दिक्कत है पेपर देने में तब आप पर यहाँ पर
टिक लगा देंगे। अगर आप विकलांग नहीं हैं या दिव्यांग नहीं हैं, किसी भी प्रकार के अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको इसको छूने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसा है इसको वैसे ही खाली छोड़ देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि डिक्लेरेशन दिया हुआ है। तो डिक्लेरेशन में आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको एक्सेप्ट बटन पे क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर टिक लग जाएगा, तो टिक लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सिक्योरिटी कोड भरना है। सिक्योरिटी कोड कहाँ से आएगा, जो आपको नीचे दिख रहा है यही आपका सिक्योरिटी कोड है, ये आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप जो है प्रीव्यू एंड प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। मैंने फॉर्म भरा नहीं हुआ है इसलिए मैं प्रीव्यू बटन पे क्लिक नहीं कर सकता, लेकिन आप फॉर्म भरने के बाद प्रीव्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो एक पूरा फॉर्म खुलकर आ जाएगा। उसमें सारी डिटेल्स रहेंगी जो जो भी आपने भरी हुई हैं। अगर आपको उसमें कोई भी एडिट करना हो तो आप एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप प्रोसीड बटन पे क्लिक करके आप पेमेंट कर देंगे। वहाँ पे जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपका जो है पेपर जो है एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, और जिस दिन की भी आपने डेट चुनी होगी उस दिन ही आपका पेपर हो जाएगा सेंटर पे जाकर। तो इसके अलावा भी और अगर आपको कोई समस्या हो, परेशानी हो, तो नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।